नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटरजगत पर। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटरजगत। तो आप मेरे पीछे में देख रहे होंगे स्टोन क्लैडिंग लग रहा है, नेचुरल स्टोन क्लैडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे में हमारा ये वॉल जो है, ये जो वॉल का साइज है ये आपका 7x5 का, अराउंड 7x5 का ये वॉल है हमारा। तो इसमें अभी हम लोग ये वॉल क्लैडिंग नेचुरल स्टोन लगा रहे हैं। तो इसको कैसे आप लगा सकते हैं पुट्टी किया हुआ वॉल में, अगर आपके वॉल में पुट्टी किया हुआ है तो आप कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, एक्चुअली काम हो रहा है तो आवाज हो सकता है, मशीन का आवाज आपको आ रहा होगा, तो इसके लिए प्लीज माफी मांग लेता हूँ आपसे पहले। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टोन क्लैडिंग आप कैसे लगा सकते हैं। और अगर आपको ये स्टोन क्लैडिंग चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो में चलते। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये चिपिंग हो रहा है, जो चिपिंग का साइज होता है वो अराउंड आपका 1 से 1.5 इंच का चिपिंग करना होता है, और जो डीप होता है वो 1/2 इंच से 1/4 इंच का डीप आपको इस लेवल तक हम लोग का अभी ये नेचुरल स्टोन यहाँ पे लगने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग चिपिंग का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वॉल में हम लोगों ने चिपिंग करने के बाद यहाँ पे सीमेंट का घोला मारा है, जो लिक्विड होता है, ताकि पुट्टी किया हुआ है तो इसके साथ थोड़ा एक स्ट्रेंथ बना रहे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये सीमेंट का घोला मारा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला टाली हम लोग यहाँ पे नीचे से स्कार्टिंग के लेवल से हम लोग यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सीमेंट नहीं है, बल्कि सीमेंट के साथ में हम लोगों ने ये सीका का जो एक हमारा टाइलोफिक्स, ये आपका 50 टाइलोफिक्स, ये जो है सीका का है, सीका ब्रांड का है ये, आप जैसे देख रहे हैं। और ये टाइलोफिक्स मतलब टाइल जो फिक्स करने का जो केमिकल होता है उसके हेल्प से, और यहाँ पे इसमें हम लोगों ने अराउंड 60% 70% हम लोगों ने ये केमिकल दिया है, और 30-40% हम लोग यहाँ पे सीमेंट दिए हैं। तो दोनों मिक्स करके यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे अभी लगाने वाले हैं, ताकि जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चिपिंग करके लगा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला टाइल्स हम लोग यहाँ पे नेचुरल स्टोन का लगाते हुए। तो अभी हम लोग को यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं 2 लाइन लगाना हो चुका है, अराउंड 12 इंच का जगह हम लोग का कवर हो चुका है 12 इंच हाइट में। और उसके बाद भी आप जैसे देख रहे हैं। और एक चीज का ध्यान आपको हमेशा देना है, जब भी आप जो टाइल्स लगाते हैं ना, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को ये बोलते हैं सर ये सीमेंट इसका दाग जो लग जाता है वो हटता नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें सब जब सीमेंट का दाग लगता है तो आपका वो सूखने के बाद रिमूव नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल स्टोन ऐसा ही है कि इसमें अगर सीमेंट का दाग अगर आपका एक बार लग गया तो वो कभी भी नहीं हटेगा। पॉलिश करते समय अगर जब इसमें हम लोग वर्निश करते हैं तो वर्निश करने समय वो बहुत ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलूँगा कि सीमेंट का दाग इसमें बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो उसको भीजे हुए कपड़े से आपको नहीं पोंछना है, उसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद उसको करनी जो होता है ना, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आपको उसको हटा देना है ताकि उसमें कोई दाग ना लगे, और उसको जो है वो सूखे हुए कपड़े से उसको हल्का पोंछ देना है ताकि वो सीमेंट का जो दाग है वो बैठे नहीं। और जब भी अगर आपका कोई भी मिस्त्री काम करता है तो उसका हाथ हमेशा उसको बोलिए कि सीमेंट वगैरह हाथ से ना लगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो और ये वॉल टाइल्स जो है, वॉल क्लैडिंग, ये लगाना बहुत ही ईजी है। जो भी अच्छा एक मिस्त्री होगा, टाइल्स मिस्त्री जो काम करता है, वो आराम से इस टाइल्स को लगा सकता है। सिर्फ जो इसका डिज़ाइन पैटर्न है उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जैसे कि ये जो डिज़ाइन है, नीचे वाला जो पार्ट है, अगर आप नीचे तरफ से 1 इंच वाला पट्टी लगाते हैं तो वैसे ही आपको लगाते चले जाना है। और अगर ऊपर में जो 2 इंच का पट्टा देख रहे हैं, अगर वो 2 इंच वाला नीचे अगर आप करेंगे तो वैसे ही वो नीचे करते हुए जाना है। बस यही इसका, इस टाइल्स का जो डिज़ाइन है, यही एक पैटर्न है टाइल्स लगाने का। अगर वीडियो आप यहां तक देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये स्टोन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा वॉल क्लैडिंग लगाना ख़त्म हो चुका है, ये कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पे जो ये वॉल का साइज़ मैंने आपको बताया था 7x5 का है, और यहाँ पे तीन हम लोगों ने रैक दिया है जो फ्लोटिंग रैक है, और इसमें हम लोगों ने स्पॉट लाइट का यूज़ किया है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसको इसके बाद जो इसका काम बचेगा वो वर्निश करना होगा, जो कि हम लोग इसमें आफ्टर कम्प्लीट इसको हम लोग वर्निश करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जो स्टोन क्लैडिंग है वो कैसे लगा सकते हैं। ये आप पुट्टी किए हुए वॉल में, प्लास्टर किए हुए वॉल में, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया कि हमारा वॉल में पुट्टी क्या हुआ था, तो उसको आपको चिपिंग करके लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टोन क्लैडिंग है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हाँ, अगर आपको ये स्टोन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ये स्टोन अवेलेबल आपके घर तक पहुँच जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।